पहले देख रहे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 17A। इसमें देखो क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। वो बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS ड्रॉ करो जिसमें QR PR, QR दिया है 7.5, देन PR एंड PS आर इक्वल साइड गिवन एज 6 सेंटीमीटर, RS इज 5 सेंटीमीटर एंड QS इज 10 सेंटीमीटर। मेजर द फोर्थ साइड, और फोर्थ साइड क्या होगी वो आपको मेजर करके लिखने के लिए बोला है। तो चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ये रफ स्केच हम लोग बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक रफ स्केच में यहाँ पे बना रहा हूँ अपने मन से कुछ भी, फिर इसी का यूज करके मैं फेयर स्केच यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने नाम दे दिया इसको PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल है, रफ स्केच बनाया है। जो जो उसने दिया है वो सब आप इसके अंदर मेंशन करो। जैसे उसने QR दिया है 7.5 सेंटीमीटर, तो QR मेरा है 7.5 सेंटीमीटर। जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तब आपको थोड़ा इजी रहेगा अगर रफ स्केच ड्रॉ किया है। उसके बाद PR एंड PS आर इक्वल, PR मतलब ये डायगोनल की लेंथ दी उसने, PR PQRS में PR और PS ये हमको इक्वल दिया है। तो PR दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये मेजरमेंट हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, और PS भी दिया है 6 सेंटीमीटर। चलो आगे RS दिया है 5 सेंटीमीटर, RS मतलब ये वाली लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद QS दिया है 10 सेंटीमीटर, QS मतलब दूसरा डायगोनल, ये हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो जो जो उसने दिया था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। मेजर द फोर्थ साइड, तो बची हुई जो साइड है कौन सी साइड बची हमारे पास, PQ साइड बची हुई है, उस साइड को मेजर करके लिखने के लिए बोला है। तो चलो अभी देखते हैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी जो मैंने रफ स्केच ड्रॉ किया उससे मुझे एक बात समझ में आई कि ये तीन साइड मुझे गिवन में दी हुई है ना, QR RS और SP, ये तीन साइड है जो मुझे गिवन में दी है और ये दो डायगोनल्स है जो मुझे मालूम है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, ये जो साइड है SR इसको नीचे ड्रॉ करो। समझ में आ रहा है क्या? Yes, हाँ, हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें ये नीचे की तीन साइड मुझे मालूम है, ये साइड मुझे मालूम नहीं है। तो इसको ज्यादा इजीली आप कब ड्रॉ कर पाओगे, जब मैं नीचे ड्रॉ करूंगा SR। तो पहले मैं SR ड्रॉ कर लूंगा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके। तो आपको सबसे पहले SR को ड्रॉ कर लेना है नीचे। हाँ करते जाओ मेरे साथ में, जिनको नहीं आया है। SR मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर, जो मेजरमेंट है वो यहां पे लिख लेना, ठीक है। चलो जान, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड की कौन सी साइड नीचे ड्रॉ करनी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया ये वाली साइड है जो मैं नीचे ड्रॉ करूंगा, और मैंने ड्रॉ कर लिया SR 5 सेंटीमीटर का नीचे। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी एक एक पॉइंट हमें एट ए टाइम सर्च करना है, एक समय में एक पॉइंट को ढूंढना है। कैसे, जैसे अगर मैं एस से बात करूं तो मेरे पास यस है और एक आर है, एस से मुझे मालूम है पी 6 सेंटीमीटर पे है, बराबर है? Yes. और उसी S से Q जो है वो भी 6 सेंटीमीटर है, बराबर है? Yes. है ना? तो यहां पे क्या हुआ कि अगर आप S से P को और Q को फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो हमको वो मिल सकता है। उसके बाद या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, S और R से देखो, S और R से Q पॉइंट को अगर फाइंड आउट करोगे तो S से Q है 6 सेंटीमीटर और R से Q है 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, S से 6 सेंटीमीटर पे एक आर्क बनाना पड़ेगा और R से 7.5 सेंटीमीटर पे आर्क बनाना पड़ेगा। दोनों के आर्क जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो हमारा Q पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया क्या? चलो करके देखते हैं। हाँ करके देखते हैं, करके बता दो मैं आपको कैसे ड्रॉ करना है। फिर से एक बार देखो, हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट से, मतलब इन दोनों पॉइंट से एक एक पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। जैसे यस और आर से
एस और आर से क्यू कितनी दूरी पे है, तो मैं क्यू को पहले निकाल लूंगा, बाद में एस और आर से पी कितनी दूरी पे है उससे मैं पी को निकाल लूंगा। तो पहले मैं क्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मुझे मालूम है एस आर से क्यू जो है वो 7.5 है, बराबर है। आर से क्यू का डिस्टेंस कितना है 7.5। तो आपको क्या करना है, अपने कंपास के अंदर 7.5 का डिस्टेंस ले लेना है। ले लो आप जो साथ में कर रहे हैं मेरे साथ, वो कंपास के अंदर उतना डिस्टेंस ले लो, 7.5 का डिस्टेंस ले लो कंपास में। वो डिस्टेंस आपका इस 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, बराबर। स्केल का यूज करके आपको डिस्टेंस लेना है। ले लिया। अभी क्या करोगे, हम लोग कहां से ड्रॉ करेंगे 7.5? आर से, क्योंकि आर से क्यू का डिस्टेंस 7.5 का है, तो आपको बराबर वो आर से ही ड्रॉ करना होगा। देखो करके दिखाता हूं। आर पॉइंट पे रखा मैंने इसको, और यहां से 7.5 का मैंने एक आर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। शुरुआत में मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा खींच लिया है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि एक्चुअल में ये क्यू पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये मुझको मालूम नहीं है, इसलिए मैंने आर से एक बड़ा सा आर बना दिया 7.5 का डिस्टेंस लेके। समझ में आया सभी को यहां तक? हाँ। तो ये क्या हुआ, ये जो मेरे पास आर्क है, इस आर्क पे कहीं ना कहीं क्यू पॉइंट होगा, बट एक्चुअल में ये क्यू पॉइंट कहाँ पे है, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एस से क्यू का भी डिस्टेंस है ना, जैसे आर से क्यू का डिस्टेंस मुझे 7.5 मालूम था, उसी तरह से एस से क्यू का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, बराबर है। तो अभी आप क्या करोगे, अपने कंपास के अंदर 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, जैसे हमने यहां पे लिया था 7.5 का, वैसे अभी 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। ले लिया? हाँ। पर यहाँ पे एस से क्यू का डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर है। एस से क्यू का 10 दिया है कि 6 दिया है? पीआर का 6 दिया है क्या? पीआर का 6 दिया है? चलो ठीक है, ये 10 दिया है ना, तो 10 लो फिर, 10 लो। हाँ 10 ले लो, 10 ले लो, 10 सेंटीमीटर लो। ये वाला डिस्टेंस हमको 6, ये वाला डिस्टेंस 6 दिया है, बराबर है। ये 10 दिया है, तो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। ले लिया क्या सभी ने? अभी हमने जो आर्क बनाया था 7.5 का, वो आर से बनाया था, क्योंकि आर से क्यू का डिस्टेंस 7.5 था, बट एस से क्यू का डिस्टेंस 10 है, बराबर है। तो अभी हमें ये पॉइंट कहां पे रखना पड़ेगा बताओ? इस पॉइंट को कहां पे रखोगे? एस पे। समझ में आएगा सभी को? हाँ। आपको ये जो पॉइंट है उसको एस पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एस से क्यू का डिस्टेंस 10 होता है। हमने पहले यहां पे रख के आर्क बनाया था, अभी एस पे रख के मैं आर्क बनाऊंगा। देखो एस पे मैंने पॉइंट रख दिया और यहाँ पे आर्क बना दिया, तो ये जो आर्क है वो इस जगह पे उसको कट कर रहा है, बराबर है। अभी हमारा काम क्या है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेना। अभी आपके पास इरेजर होता है, तो इरेजर से इसको थोड़ा आर्क को कट कर देने का, इतना बड़ा आर्क यहाँ पे नहीं रखना, सिर्फ पहले ड्रॉ करते समय उतना आर्क रखना है और बाद में उसको इरेज कर देना। और जो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट बचेगा उसको रहने दो, और उस जॉइंट से आर पॉइंट को मैं यहाँ पे जॉइन कर देता हूँ। आएगा समझ में सभी को? हाँ। तो इस तरह से मेरा पॉइंट मुझे मिल चुका है। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है क्यू पॉइंट, तो मैंने वहां पे क्यू पॉइंट करके उसको नेम दे दिया। आप एस से क्यू को भी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर, वो भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। समझ में आया क्या? तो ये मेरा बन गया एस क्यू आर ट्राइंगल। मुझे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जिसमें एक और पॉइंट ढूंढना है, पॉइंट पी, बराबर है। हाँ। तो हमें अभी क्या क्या मिला है, एक तो मिला आर क्यू,
जो है 7.5, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7.5 सेंटीमीटर। एक मिला है SR 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी लिख चुका हूँ, और QS मुझे मिला है 10 सेंटीमीटर, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। अभी इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट बचा है, पॉइंट P, है ना। P पॉइंट हमें नहीं मिला, तो S से P का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या करना है, कंपास के अंदर 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना है, ठीक है। कंपास के अंदर आप 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो सभी लोग, ले लिया। कंपास के अंदर आपको 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, S से P का डिस्टेंस 6 है, तो मैं इसको कहां पे रखूं? S पे। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो S पे रख के यहां पर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क आपको ड्रॉ कर लेना है, थोड़ा सा बड़ा आर्क आप बना लोगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि वो एग्जैक्टली पॉइंट कहां पे आएगा, बराबर है ना। तो आर्क थोड़ा सा लंबा खींच लेना है, और बाद में फिर आप उसको इरेजर से इरेज कर सकते हो, जितना काम का रहेगा उतना रखो, बाकी को इरेज कर लो। तो मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा आर्क बना लिया है। उसके बाद क्या है, तो S से P का डिस्टेंस 6 था, इसलिए S से मैंने 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाया। उसके बाद देखो R से P का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर ही है, मतलब सेम वही डिस्टेंस लेके आपको फिर से एक बार आर्क बनाना है। बट ये वाला आर्क कहां से बनाओगे, R से, है ना। अभी R के ऊपर रखो इस पॉइंट को और इसको ज्वाइन करो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मेरी फिगर आ रही है, मेरा मेजरमेंट एकदम परफेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट लूके यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो बहुत ही छोटी इमेज बनेगी जो आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। बट आपने जो मेजरमेंट लेके बनाया होगा वो बराबर बनाया होगा, तो आपका इमेज थोड़ा सा बराबर बनेगा, अलग बनेगा। समझ में आया क्या आपको ये? Yes, sir. तो इसको मैंने नेम दे दिया है पी क्यू आर एस, तो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। समझा सभी को? और जो बाकी एक्स्ट्रा हमारे पास आर्क थे उनको मैं यहाँ से रिपीरेज कर दे रहा। आपकी डायग्राम कुछ अलग भी बनी होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजरमेंट आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अभी इसको लिख दो, PQ का डिस्टेंस हमें दिया है क्या? नहीं दिया है। PS का डिस्टेंस दिया हुआ था, PS का कितना था? 6 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद ये भी दिया था, तो ये हमने नहीं भी निकाला तो भी चलेगा, नहीं तो निकाल लेते हैं। आया सभी को समझ में? हाँ बराबर, हाँ बराबर। अभी आपको चेक कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। आपको सभी का मेजरमेंट दिया है ना, तो आप स्केल अपने हाथ में लोगे और स्केल का यूज करके चेक करो। जैसे SR है तो SR को चेक करो, यहाँ पे स्केल लगा के बराबर 5 सेंटीमीटर है क्या। उसके बाद PS तुमको दिया है 6 सेंटीमीटर, तो PS पे स्केल लगाओ, चेक करो बराबर 6 सेंटीमीटर आया है क्या। उसके बाद QS आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो QS को भी चेक करो। समझ में आ रहा है? जितने मेजरमेंट आपको दिए हैं वो मेजरमेंट स्केल से आपकी जो डायग्राम बनी है उसके अंदर चेक करो, अगर आपके मेजरमेंट सेम है, बराबर है, तो आपका आंसर एकदम बराबर आएगा। तो पी क्यू आर एस ड्रॉ करो, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, रफ स्केच है पी क्यू आर एस। अभी जो जो गिवन रहेगा वो मैं पहले वहां पे लिख लूंगा। तो उसने दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर। देन एंगल पी क्यू आर इज 120, पी क्यू आर इज 120 डिग्री। Then QR is of 3.8, QR is of 3.8 centimeter. QRS is 100, QRS is 100 centimeter, 100 degree. And then QPS is 60,
QPS is of 60 degree. तो यहाँ पे उसने हमें दो adjacent side दी है और three angles हमें given है. तो ऐसी condition में हम diagram कैसे draw करेंगे ये हमको समझना है. तो थोड़ा सा ध्यान दो, मैं आपको explain करता हूँ इसको कैसे draw कर सकते हैं. तो simple ही है, हमको क्या करना है, जहां पर हमें दो एंगल्स दिए हैं, जैसे यहां पर भी दो एंगल्स दिए हैं और यहां पर भी दो एंगल्स दिए हैं, तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो है PQ इसको मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूं. तो आपको भी करना है साइड बाय साइड मेरे साथ में. सबसे पहले तो आपकी स्केल में 4.5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट यहां पे आपको ड्रॉ करना है, वो कर लो. फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ कर लो, उसको नेम दे दो PQ और मेजरमेंट लिखो उसके नीचे 4.5 सेंटीमीटर. कर लिया? Yes. ये हो गया मेरा Yes. जो हमने मेजरमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया PQ. उसके बाद में उसने क्या बोला है, P का मेजरमेंट जो है एंगल का वो दिया है 60 डिग्री. अभी हमको जो एंगल बनाना है वो बनाना है बाय यूजिंग कंपास. सभी को मालूम है 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है बाय यूजिंग कंपास? यस सर. हां तो क्या करना है आपको मैं बता रहा हूं, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं. कंपास में आप अपने मन से कुछ भी डिस्टेंस ले लो, जैसे मैंने यहां पे एक सफिशिएंट डिस्टेंस ले लिया है. अभी मैं क्या करूंगा, पी पॉइंट के ऊपर इसको रखूंगा और यहां से एक आर्क बनाऊंगा. देखो जरा इस तरह से मैंने यहां पे एक आर्क बना लिया है, दिख रहा है सभी को? आपको यहाँ पे पॉइंट रख के एक आर्क बनाना है. और क्या हुआ? सर यहाँ पे जो आर्क बन कितना सेंटीमीटर है? आर्क आप अपने मन से ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो भी डिस्टेंस है ठीक है, आर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मन से लो कितना भी, बट जो भी लोगे उसको कांस्टेंट रखो. जैसे मैंने पी से एक आर्क बना दिया, अभी उस डिस्टेंस को मैंने चेंज नहीं किया है, उसी डिस्टेंस को एज इट इज रखते हुए ये आर्क आपके PQ को जहां पे कट करेगा उस पॉइंट पे इसको रखना है और इस आर्क को वापस एक बार फिर से कट करना है. करो. सर बना लिया 60 डिग्री हो गया. अभी ये जो हमें पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को P के साथ जॉइंट कर दो. जो पॉइंट हमें मिला उसको P के साथ में जॉइन कर दो. ये हमको मिल चुका है 60 डिग्री का एंगल. समझ में आया कि सभी को? Yes. हाँ. अभी जो ये थोड़ा सा लार्ज हो गया था आर्क, उसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ. कंप्लीटली कट नहीं कर देना है, नहीं तो सामने वाले टीचर को समझ में ही नहीं आएगा कि आपने कंपास का यूज करके ड्रॉ किया. ठीक है, तो आपको आर्क रखना है बट एकदम बहुत बड़ा आर्क अगर बन चुका है तो उसको थोड़ा सा इरेज कर सकते हो. समझ में आया ये? Yes. तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, PQ ड्रॉ कर लिया 4.5 सेंटीमीटर का. अभी हमें Q एंगल निकालना है 120 डिग्री का. 120 डिग्री का एंगल निकालना आएगा आपको बाय यूजिंग कंपास? Yes, sir. चलो जिनको नहीं आता है ध्यान दो, जिनको नहीं आता है वो सामने ध्यान दो, जिनको आता है वो खुद 120 का एंगल बना दो. अभी हमको ये एंगल Q के पास ड्रॉ करना है. हमको क्या करना है, फिर से एक बार कंपास में एक सफिशिएंट डिस्टेंस ले लो, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं. ठीक है, मैंने छोटा सा डिस्टेंस ले लिया है, इसको Q पॉइंट के ऊपर रखो. मैंने Q पॉइंट के ऊपर रख दिया और यहां से थोड़ा सा बड़ा आर्क बनाओ, जैसे हमने वहां पर बनाया था उसी तरह से. तो ये आर्क मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है, दिख रहा है सभी को? यस सर. यस सर. उसके बाद में हमने तो क्या हुआ, क्या हुआ सर, उसी डायग्राम पर बनाना है क्या? हाँ उसी डायग्राम में बनाना है. हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसी में बनाना पड़ेगा. क्यू के ऊपर रख के मैंने एक बड़ा सा आर्क बना दिया है. अभी उसी डिस्टेंस को रख के ये जो पॉइंट है अभी ये वापस यहाँ पे रखो इस पॉइंट पे और एक पहला आर्क लगाओ. पहला आर्क मतलब 60 डिग्री का एंगल, पर हमको 60 का एंगल नहीं चाहिए, तो फिर से उस 60 डिग्री वाले एंगल के ऊपर पॉइंट रखो और डबल से एक और आर्क बनाओ. करो सर कंप्लीटेड.
पहले यहां से एक आर्क बनाया जो 60 का एंगल देता है, हमको 60 का एंगल नहीं चाहिए, इसलिए यहां पे रख के डबल से एक बार बनाया, ये हो जाएगा 62 जा मतलब 120 डिग्री का एंगल। अभी हमको क्या करना है, इस Q पॉइंट को उस पॉइंट के साथ में जॉइन कर देना। सर क्या हो गया? सर अगर हमने डायरेक्टली प्रोटेक्टर से एंगल ड्रॉ किया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर Q के पास 120 डिग्री का एंगल बनाया है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 120 डिग्री। समझ में आया सभी को? Yes, sir. तो यहाँ पे हमने 60 का एंगल ड्रॉ कर लिया है, 120 का एंगल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको R पॉइंट को पहले फाइंड आउट करना है, जो Q से R का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है 3.8 सेंटीमीटर। तो आपका काम क्या है, आपकी स्केल के अंदर 3.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप कंपास में मेजर कर लो, करो। सर कर लिया। 3.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कंपास में मेजर कर लेना है, मैंने भी यहाँ पे कर लिया है। और ये अभी आर्क में कहाँ से बनाऊंगा बताओ? क्यू पॉइंट से, क्योंकि क्यू से आर्क का डिस्टेंस 3.8 दिया है, तो इसको क्यू पे रखना पड़ेगा और यहाँ पे आर्क कट करना पड़ेगा। तो ये मैंने कट कर दिया है, ये मुझे पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट का क्या नाम होगा? R पॉइंट। तो ये बन गया है मेरा R पॉइंट। समझ में आएगा सभी को? Yes sir. तो इसके बाद उसने बोला है 100 डिग्री का एंगल बनाओ। 100 डिग्री का एंगल बाय यूजिंग कंपास बनाना काफी डिफिकल्ट होगा, तो इस वाले एंगल को आप बाय यूजिंग प्रोटेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? Yes sir. 60 का एंगल, 120 का एंगल ये तो काफी इजीली आप बना सकते हो, 90 का एंगल भी बना लोगे, 45 का एंगल भी बना लोगे, बट 100 डिग्री का एंगल बनाने के लिए काफी मेहनत लगेगी, क्योंकि डायग्राम भी काफी थोड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें काफी सारे आर्क वगैरह आ रहे हैं। पहले हमें 50 का बनाना पड़ेगा और बाद में फिर से 50 का बनाना। हाँ, तो उतना करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए आप क्या करोगे, सिंपली आर से 100 डिग्री का एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर बना दो। प्रोटेक्टर का यूज करना आता है सभी को? जिनको नहीं आता वो मेरे तरफ ध्यान दो, जिनको आता है वो अपने मन से खुद करो। यहाँ पे आपके पास एक जीरो पॉइंट होता है, ठीक है, उस जीरो पॉइंट को इस आर के साथ मैच करना है। देखो मैं कर रहा हूँ, जीरो पॉइंट को आर के साथ मैच करना है, और ये जो लाइन है वो लाइन आपके प्रोटेक्टर के ऊपर जो लाइन आती है उसके साथ मैच करनी है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस पॉइंट को आर के साथ मैच कर लिया, और जो लाइन है उसको आपके प्रोटेक्टर के लाइन के साथ मैच करो। उसके बाद जो उसने जो एंगल हमको बताया है वो एंगल है 100 डिग्री का, तो जहां से लाइन मैच करी वहीं से आपको इसको मेजर करते जाना है। तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, तो इस पॉइंट पे हमें 100 वाला पॉइंट मिल रहा है। आएगा समझ में सभी को? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो R से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, देखो मैं कर रहा हूं, R से उस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना है इस तरह से, और सेम अभी ये मेरा लाइन थोड़ा छोटा हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, उसी लाइन को थोड़ा सा और लंबा खींच लो सामने, ठीक है, और एक पॉइंट मिलेगा जहां पे ये डायग्राम एक दूसरे को कट कर रही है, इस पॉइंट का क्या नाम होगा? S पॉइंट। S पॉइंट, समझ में आया क्या? Yes sir। ये मेजरमेंट हमें 3.8 सेंटीमीटर दिया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये 100 डिग्री दिया था तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मेरे पास रफ स्केच ड्रॉ किया है, तो मैं सडनली यहाँ से देख के सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। तो आपकी अपनी अलग अलग मेथड होती है, अगर आपको लगे कि रफ स्केच जरूरी है तो आप बनाओ, नहीं बनाया तो भी चलेगा, फिर आपको वो गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा अगर आपने ड्रॉ नहीं किया है। ये समझ में आ गया सभी को? Yes. तो इसके ऊपर बेस जो भी न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में दिए हैं वो ट्राई करके देखो, और एक लास्ट वाली भी मेथड है, मेथड नंबर 5, उसको भी अपने मन से करके देखो अगर आता है तो, अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, चलेगा? बट ट्राई करके देखो अपने मन से, ठीक है? सर वो जो आपने 60 डिग्री बनाया तो आप
हाँ अपने मन से ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सर हम लोग प्रोटेक्टर की हेल्प से भी ले सकते हैं ना? नहीं, 60 डिग्री का एंगल आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से नहीं बनाना, 100 डिग्री का एंगल वगैरह आप बना सकते हो क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत लगती है, बट 60 का हो गया, 120 हो गया, 90, 30, 75, ये सब एंगल आप बाय यूजिंग कंपास बना सकते हो, उनको कंपास का यूज करके ही बनाना। ठीक है, बट सर प्रोटेक्टर की हेल्प नहीं ले सकते? प्रोटेक्टर का हेल्प आप ले सकते हो ना, 100 डिग्री का एंगल बनाना है, 80 डिग्री बनाना है, तो ये एंगल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको बना सकते हो। 60, 120, 30, 75 इनके लिए भी? नहीं, उनके लिए नहीं ले सकते, उनके लिए आपको कंपास का ही यूज करना। ओके सर। ठीक है।